सन 2004 से पहले हम रासायनिक खेती करते थे परंपरागत तरीके से। हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जिस तरह की खेती करते आ रहे थे, हम भी उसी पैटर्न पे चल रहे थे। पैदा भी उस समय बहुत धीरे 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 सन 90 के बाद से कम होने लगी थी, और राष्ट्रीय कृषि की विकास दर, हमारे खेतों की विकास दर खेती में बहुत डाउन आने लगी। उस समय 2004 में अचानक कुछ एक ऐसी घटना घटी कि जैसा ही हमने पेस्टिसाइड सोयाबीन के ऊपर डाला, और हमारा गांव पूरा प्रकृति से बहुत प्रेम करता है, तो उसमें जो सोयाबीन के ऊपर से मोरों ने, कुछ चिड़ियों ने जो उसके छिड़काव के समय जो पत्ते खाए, उससे मोर मर गए। फिर मोरों को सिवान ने खाया, वो मर गए। फिर सिवान को उड़ने वाले बाजों ने खाया, वो मर गए। तो ऐसा गांव ऐसा लगने लगा कि ये जानवरों के बिना और पक्षियों के बिना विहीन हो जाएगा। तो पूरे गांव वालों ने बैठ के ऐसा निर्णय लिया कि क्यों ना हम इस खेती को कम किया जाए। तो गांव में शाम को बैठ के गांव वालों ने चर्चा की। हमारे एक ग्राम विकास के ऊपर एक संस्था चलती है, केशव आदर्श ग्राम विकास समिति, उसके तत्वावधान में एक निर्णय लिया कि हम क्यों ना इसको कम करें। तो धीरे धीरे पूरे गांव वालों ने पेस्टिसाइड को, केमिकल फर्टिलाइज़र को कम किया, और ठीक उसी समय सन 2003 के आखिरी समय में मैं जयपुर भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता होने के नाते जयपुर में विधानसभा पे हमारा घेराव था। इस्तीमल जी भाई साहब मिले कार्यालय पे, उन्होंने कहा कि भाई हुकम जी कौन सी खेती करते हो। मैंने कहा सर खेती तो जो चली आ रही है हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। तो क्या पूर्वज तो बगैर केमिकल की खेती करते थे, और आप कौन सी की बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो रासायनिक खेती की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये व्यवस्था ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, इससे राष्ट्र हमारा नर्क बनता जा रहा है, हमारी धरती जीवाणु विहीन होती जा रही है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके फार्म पे हम ऐसी व्यवस्था देखना चाहते हैं कि प्रकृति एवं गौवंश आधारित खेती को आप बढ़ावा दें, और ऐसा मॉडल तैयार करें जिसको देश और दुनिया के लोग देखने के लिए आए। तो मैंने आके फिर थोड़ा यहाँ पे आके चर्चा की इस विषय पे, तो परिवार के कुछ सदस्यों को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, पिताजी ने साफ ही मना कर दिया। फिर भी थोड़ा प्रयास करके एक हेक्टेयर में हमने इसको प्रारंभ किया, तो उसमें करीब करीब 35-40% पैदावार में फर्स्ट के साल में हमारी गिरावट आई। फिर उस समय भोपाल के अंदर एक प्रकृति 2004 के नाम से एक बहुत एक इंटरनेशनल सेमिनार था, और झालावाड़ ज़िले से मेरे को उसमें जाने का मौका मिला। उसमें देश भर से और दुनिया भर से करीब करीब 1960 लोग उपस्थित थे, और चार दिन उस सेमिनार के अंदर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कृषि विभाग ने उसको प्रायोजित किया था, और चार दिन तक उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।